शहजादा माफ कीजिएगा बीच में मैं आपको टोक रही हूँ, एक 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 सवाल और था इस बीच में आपसे, ये कि ऐसी जो यूनिवर्सिटियां हैं एएमयू जिसका हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या वहां पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी को लेकर पर्टिकुलर कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों आखिर हो रही है, ताकि बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ना जाने कौन वहां ऐसा व्यक्ति है जो कि बाकियों का भविष्य भी खराब करेगा जिस तरीके से व्यक्ति निकल के। देखिए शिल्पा जी, आपके पैनल पे जैन साहब भी बैठे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे मेरा परिचय है। देखिए चीजें ये होती हैं कि अगर कोई भी त्योहार हो रहा हो उसमें अगर कोई घटना हो जाती है तो उसको त्योहार बंद नहीं किया जाता है, घटना के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अगर कोई घटना हो रही है, हमने आपको पहले ही बताया 28,000 से 30,000 छात्र पढ़ रहे हैं, अगर कोई घटना कोई अंजाम दे रहा है इस तरीके की चीजों में वो जुड़ा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ना कि उस विश्वविद्यालय के खिलाफ या उसके उसके ऊपर जो है उसको बदनाम करने का आरोप लगाए जाए। हम तो समझते हैं कि इस टाइप की चीजें नहीं होना चाहिए। जो क्या विश्वविद्यालय भी समर्थन कर रहा है इस बात का कि जो छात्र अगर उसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई बचाव में उतरा हुआ। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे कि भाई 9 साल से सरकार है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने तो आपको आशीर्वाद दिया था कि रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, आपने उसमें 9 साल में क्या काम किया बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आ जाते हैं यहाँ पे आप देख लिए की वजह से किसान परेशान, किसानों को फसलों की कीमत है, महंगाई चरम के ऊपर, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं, सड़कों के ऊपर क्या हालात होंगे वो सबको मालूम है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है वो भी इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए, क्योंकि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो इन्हीं चीजों की वजह से दिया है कि कानून व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, हमको मिले, महंगाई खत्म हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। आप बताइए कि कहां पे रोजगार मिल रहा है, कहां महंगाई हो खत्म हो रही है, महंगाई तो चरम पे जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, देश के ऊपर कर्ज बढ़ता, यानी कि जनता जिन मुद्दों पर बीजेपी को लेकर आई थी उन मुद्दों, बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी आई थी उन मुद्दों पर बीजेपी काम ही नहीं कर रही है। शरद साहब से काउंटर लेते हैं, शरद साहब तमाम जो इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ पर सपा पार्टी के प्रवक्ता, आप उनका जरा जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं बेरोजगारी पर आप बात नहीं करते हैं, यहाँ पर महंगाई लगातार अपनी चरम पर बनी हुई है, और इसके साथ अखिलेश यादव तो ये भी कहते हुए नजर आए कल कि बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को जवाब ना देना पड़े, इसलिए एक स्थान वो हमेशा खाली रखती है ताकि जनता को बरगलाया जा सके। शिल्पा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इसलिए नहीं लाई है कि विपक्ष को रोजगार दें या विपक्ष की गरीबी दूर करें, ये 9 साल से इनकी गरीबी है और ये आगे भी इनकी गरीबी चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का काम किया है उसके बेसिस पे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है, दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय बनाए हैं, 45 लाख उत्तर प्रदेश में मकान बनाए हैं, इनके पूरे इतिहास में 4 बार इनको जनता जीता के लाई थी तब ये नहीं कर सके, और महंगाई की दर जो है वो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो उससे ज्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। 16% जितना पूरे भारत में निवेश हुआ है उसमें 16% निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिस इतिहास में कभी नहीं हुआ है। लेकिन इनकी बेरोजगारी गरीबी है जिसकी वजह से ये बार बार इसी मुद्दे उठाते रहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि जैन साहब के अलावा दो नाम मैं बता रहा हूं, कोई बता दे कि ये कौन थे हमारे पैनल पे, हमारे दोनों मित्र ये बता दें कि अब्दुल माजिद कौन है और हुमायूं भट्ट कौन है, ये कोई नहीं बता सकता। अफजल गुरु का नाम बता सकते हैं हम लोग, शर्जील इमाम का नाम बता सकते हैं, उनके कारनामे बता सकते हैं, लेकिन हुमायूं भट्ट हमारे सर्कल ऑफिसर डीएसपी थे जो कश्मीर में शहीद हुए हैं, और अब्दुल माजिद जो कल शहीद हुए हैं कश्मीर में एनकाउंटर में, इनके नाम ही बताएंगे क्यों, क्योंकि साहब इससे हमारे सेकुलरिज्म को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सेकुलरिज्म को किससे फायदा होगा, शर्जील इमाम से फायदा होगा, अफजल गुरु से फायदा होगा, हाफिज सईद से फायदा होगा, अरे आप फायदा होता है, आपको रोजगार देने में फायदा नहीं, आपको हिंदू मुसलमान करने में फायदा है। असल में हम आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान की करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं कानून व्यवस्था की, आप करते हैं वहां पे हिंदू मुसलमान की बात, हम व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, आप करते हैं कानून व्यवस्था की बातें करते हैं, आप हमसे करते हैं हिंदू मुसलमान की बात। अरे हमने आपका स्वागत किया, हम तो कह रहे हैं आपने एक्शन लिया, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, और जो भी आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दे रहा है कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, एटीएस से कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए,
उसके अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम तो आपकी आपके कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो हमने सवाल किया आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। किसानों की जो परेशानियां हैं उनको आप नहीं दूर कर रहे हैं। सड़कों पर सांड है जिनकी वजह से आए दिन लोग जख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं सड़कों के ऊपर। आप आपके पास उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। आपके पास जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमाई है, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, जवाब ठीक है। अब्बास साहब आगे रोजगार विपक्ष मांग रहा है, विपक्ष जनता की। ठीक है अब्बास साहब, आगे भी चलते हैं, और गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अब डीजीपी साहब भी हैं। एके जैन साहब, जब हम देख रहे हैं लगातार पीछे से अगर हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि हमने पॉलिसीज चेंज करी है, बहुत सारी चीजें चेंज करी है, और आतंकवाद को कम करने के लिए लगातार काम हो रहा है, और पूर्ववर्ती जो सरकार थी उससे बहुत बेहतरी की तरफ काम हो रहा है। सर, क्योंकि आप व्यवस्थाएं पहले से देखते हुए आ रहे हैं और बेहतर तरह और प्रशासनिक तौर पर रहे भी हैं अधिकारी, तो आप बहुत बेहतर तरीके से और हमें समझा पाएंगे कितना बदलाव सर आया है, और ये जो बदलाव आया है क्या वाकई में उससे वो कंट्रोल नजर आ रहा है पहले की अपेक्षा? देखिए, जो एनआईए का गठन हुआ है कि सेंट्रल एजेंसी के रूप में, और एनआईए को बहुत सशक्त किया गया है। एनआईए के सशक्त करने से बहुत सी जो सूचनाएं पहले हम लोगों को, जब मैं सर्विस में था, जो आईबी और रॉ से शेयर होती थी, एनआईए से भी हो रही हैं। और एक जो आपसी सामंजस्य है स्टेट्स का और सेंटर का, इसको काफी इंप्रूव किया गया है, जिसके कारण इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, और इंटेलिजेंस शेयरिंग के कारण हर कोई स्टेट नहीं चाहता है कि उसके यहाँ आतंकवादी घटना हो, कोई चाहे कोई भी स्टेट हो, तो वो आपस में इन लोगों में जो सामंजस्य बना हुआ है, इसकी वजह से, इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से एक्शन हो रहा है। और एक्शन जब होता रहेगा, जब प्रिवेंटिव एक्शन होता रहेगा, तो स्वाभाविक है कि जो बम विस्फोट वगैरह होते थे, घटनाएं होती थी, उस पर रोक लगेगी। तो ये इस फील्ड में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बहुत सी स्टेट्स में एटीएस का, इस प्रकार की एजेंसीज का गठन किया गया है, नोडल एजेंसीज बनाई गई हैं जो एनआईए और आईबी और रॉ के टच में रहती हैं, और मिलकर कोऑपरेट करके एक्शन हो रहा है। ये देश हित में है, प्रदेश के हित में है, और ये लगातार जारी रहना चाहिए, और इसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। कारी अब्रार साहब का भी हम रुक कर लेते हैं। कारी अब्रार साहब, एक खास यूनिवर्सिटी का बार बार जिक्र आ जाता है जब ऐसे मसले सामने निकल के आते हैं, लेकिन फिर जब ये सवाल उठाया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन किया जाए, तब ये कहा जाता है कि आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस यूनिवर्सिटी पर आकर आप क्यों आघात करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जहां से बार बार इस तरीके के लोग निकल कर आ रहे हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद में और लोगों को भी शामिल कर रहे हैं? देखिए, काबिले गौर बात यह है कि आखिर इतना बड़ा मामला आज जो सामने आया है जी, आखिर इस यूनिवर्सिटी में इसके अध्यापक भी होंगे, इसके संचालक भी होंगे जी, और इसके बड़े ऑफिसर भी रहे होंगे, प्रोफेसर भी रहे होंगे। आखिर क्यों उन लोगों को ये चीजें नजर नहीं आई? क्यों आखिर प्रशासन को ही मामलों में कदम उठाना पड़ता है? क्यों आखिर प्रशासन से पहले ही ये लोग इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? खास तौर से ऐसे लोगों की वजह से इस्लाम को बदनामी का शिकार होना पड़ता है, और ऐसे लोग सिर्फ देश के नहीं बल्कि इस्लाम और कुरान के दुश्मन हैं, क्योंकि कुरान ने और इस्लाम ने साफ तौर पे ऐसे लोगों की मजम्मत की है। ऐसे लोग देश को नहीं, सिर्फ देश को नहीं, कुरान को, मजहब इस्लाम को, तमाम इन सारी चीजों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जिस तरह से बार बार जिहाद की बात हो रही है, कुरान में कहीं नहीं लिखा, पूरे कुरान में 6,666 आयतों में से एक भी आयत में किसी में नहीं लिखा कि किसी बेगुनाह का कत्ल किया जाए। बिल्कुल, लेकिन कारी साहब, आतंकवाद जो फैलाया जाता है तो कुरान का ही हवाला देकर, बरगलाकर, कुरान के ही तमाम चीजें बताकर उनको बरगलाया जाता है। देखिए मैडम, जरूरी नहीं कि हर मुसलमान इस्लाम को मानने वाला हो। मुसलमान में और इस्लाम में फर्क है। अब कोई मुसलमान कोई बुरा काम करता है, लोग समझते हैं कि यही इस्लाम सिखाता है, ऐसा इस्लाम होगा, लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है मैडम। इस्लाम में और मुसलमान में बहुत फर्क है।
इस्लाम के अंदर जो जिहाद के बारे में जिक्र है वो मैं आपको बता दूं एक मिनट में। जी। जिहाद का मतलब है जद्दोजहद करना, किसी अच्छी चीज के लिए कोशिश करना, किसी को अच्छा मशवरा देना, ये भी जिहाद है। किसी को अच्छे काम में सहयोग करना, हौसला अफजाई करना, ये भी एक जिहाद है। और जिहाद तीन तरह के होते हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सबसे पहले आप उसके लिए जिहाद बिल्लिसान का इस्तेमाल कीजिए, यानी जबान से उसको रोकिए। अगर फिर भी नहीं रुक रहा है तो जिहाद बिल कलम का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि उसके खिलाफ लिखिए जो काम आप लोगों का है। और फिर भी अगर नहीं रुक रहा है तो जिहाद बिसेफ, यानी उसके उसके खिलाफ हथियार का इस्तेमाल कीजिए, बशर्ते के वो इंसान ये नहीं कि वो काफिर हो या नॉन मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हाँ वो कोई भी हो, बल्कि खास तौर से मुसलमान के खिलाफ उसमें सबसे सख्त मजम्मत की है, क्योंकि सवाल और जवाब सबसे ज्यादा कुरान के अंदर मुसलमानों से किया गया है। और कुरान के अंदर अल्लाह ने अपने आप को सिर्फ मुसलमानों पर नहीं कहा। बिल्कुल, और कारी साहब यही है।